हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वरुण स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल VRN इलेक्ट्रिसिटी नॉलेज पर। फ्रेंड्स, इस समय सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर एक मुद्दे की काफ़ी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन के बात पर होने वाले लाइक और डिसलाइक के बारे में। तो इसको लेकर कुछ लोगों द्वारा खबर फैलाई गई और कहा गया कि इस पर जो मिलने वाले डिसलाइक हैं उसमें केवल 2% भारत में है और बाकी डिसलाइक विदेशों से है। लेकिन कल हमारे देश में हैशटैग स्पीक अप फॉर रेलवे SSC ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था और इसको लेकर यूट्यूब, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह इस मुद्दे की चर्चा दिन भर होती रही। हैशटैग स्पीक अप फॉर बैंक SSC रेलवे ये सुबह से ही अपने देश में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था और धीरे धीरे दोपहर होते होते ये ट्वीट पूरे दुनिया में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। छात्रों का गुस्सा मुख्य रूप से सरकार द्वारा जो एग्जाम करा दिए गए हैं उनके रिजल्ट में हो रही देरी, सभी सरकारी विभागों के निजीकरण और नई भर्तियों पर लगी रोक के कारण है। SSC सीजन की परीक्षा 2017 में कराई गई जिसका रिजल्ट का मामला भी कोर्ट में पेंडिंग है और 2018 के रिजल्ट की डेट दी गई है। हालांकि सरकार द्वारा कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट की डेट दी गई है। रेलवे में NTPC के लिए 2.5 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरा। युवाओं से 500 रुपये फीस भी ली गई और ऐसा कहा गया कि उनके 400 रुपये वापस किए जाएंगे, पर अभी तक NTPC एग्जाम के लिए सरकार द्वारा कोई भी अपडेट नहीं दी गई है और ये एग्जाम कब कराया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही है। कल जो हैशटैग चल रहा था ट्विटर पर स्पीक अप फॉर रेलवे SSC बैंक, इसको लेकर यूट्यूब पर कई बड़े हस्तियों ने भी ट्वीट किया, जैसे भुवन बम ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। निजीकरण को रोकने के लिए उस विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ जनता को भी आवाज उठानी होगी, नहीं तो इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। हैशटैग स्पीक अप फॉर बैंक SSC रेलवे अभियान में अभिनव शर्मा और कई बड़े यूट्यूब चैनल ने अभियान चलाया। अभिनव शर्मा सर ने एक अभियान चलाया कि आप जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द लगाया था, उसी तरह सभी लोग अपने नाम के आगे बेरोजगार शब्द लगाए और ये भी काफी ट्रेंडिंग पर है। सोशल मीडिया साइट पर ये भी मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। तो अगर निजीकरण हो गया सभी सरकारी विभागों का तो वैकेंसी नहीं निकलेगी, सरकारी वैकेंसी नहीं निकलेगी और सरकार प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे देगी, ठेका दे देगी और वो बहुत कम पैसे में बच्चों से नियुक्ति करेंगे और काम करवाएंगे। तो इसको लेकर युवाओं का ही नुकसान होगा। तो सभी लोगों को अभी से इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और निजीकरण का विरोध करना चाहिए। सोशल मीडिया साइट, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह छाया हुआ है तो देश के युवाओं को ये समझ जाना चाहिए अभी नहीं तो कभी नहीं। सब लोग को इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।